हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशियोजेनिक और सोशल और एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी कि ऐसे मोटिव्स जो सामाजिक होते हैं या जिनका जो ओरिजिन होता है वो सामाजिक होता है और जो हमारे सामाजिक जीवन में हमें जीने में मदद करते हैं या सामाजिक जीवन को सही तरह से जीने में मदद करते हैं। तो पहला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी बायोजेनिक मोटिव्स की या बायोलॉजिकल मोटिव्स की, ऐसे मोटिव्स जो हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर की ज़रूरतों की वजह से उत्पन्न होते हैं और जिनका हमारे लिए बहुत महत्व होता है, तभी हम अपना जो जीवन है या अस्तित्व है उसको बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो सोशियोजेनिक मोटिव्स होते हैं वो सोशल ज़रूरतों के कारण उत्पन्न होते हैं, सामाजिक ज़रूरतों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा जो सबसे पहले हम बात करेंगे एफिलिएशन की या संबंधन की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मोटिव है या बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो संबंधन जो हमारी नीड है या प्रेरक है, अभिप्रेरक है, वो हमें मित्रता करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, किसी समूह का सदस्य, ग्रुप का मेंबर बनने के लिए और अपने जीवन के जो विभिन्न कार्य हैं उनको अकेले के बजाय अन्य लोगों के साथ मिलकर करने के लिए प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है। तो इट प्रॉम्प्ट्स अस टू मेक फ्रेंड्स, जॉइन ग्रुप्स एंड टू प्रेफर टू डू थिंग्स विद अदर्स रादर देन डूइंग इट अलोन। सो संबंधन, ये मतलब हम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अन्य लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उनसे हम सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं और उनको हम सहयोग देना चाहते हैं। तो जो वो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की या ह्यूमन बीइंग्स की, वो जो है वो संबंधन की आवश्यकता कहलाती है। ये इस वजह से हम प्रभावित होकर या एफिलिएशन जो प्रेरक है उससे प्रभावित होकर हम दूसरों के साथ स्नेह सहानुभूति करना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना या किसी ग्रुप का सदस्य बनना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का, किसी क्लब का सदस्य इत्यादि बनने के लिए हमें ये जो हमारी आवश्यकता होती है या ये जो हमारा अभिप्रेरक होता है, ये हमें प्रेरणा प्रदान करता है और इस तरह से हम क्या खुद को सिक्योर भी महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना यूनिटी जो होती है वो एकता में बड़ी शक्ति होती है। तो जब हम दूसरों के साथ मिल जाते हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो हम अपने आप को और शक्तिशाली महसूस करते हैं और ज़्यादा हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो ये आवश्यकता होती है, ये इसके जो है अलग अलग संबंधों की जो स्थापना करते हैं, इस आवश्यकता के फलस्वरूप हम उसको हम क्रियाओं में समानता के कारण कर सकते हैं और जो लोग हमसे सिमिलर होते हैं उनसे हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनको हम उनके साथ हम फ्रेंडशिप करते हैं, उनके साथ हम अपनी निकटता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो ये संबंधन की आवश्यकता होती है, ये हमारे सामूहिक जीवन को या हमारे सोशल लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड सिक्योर बनाती है और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करने की या दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की अपनी जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ ही शुरू से ही, जब से मानव जीवन का की उत्पत्ति हुई है, तभी से समूहों में रहना या ग्रुप में रहना जो था वो मनुष्य के लिए ज़्यादा सुरक्षित था, ज़्यादा फंक्शनल था और वही चीज़ें जो हैं फिर आज भी मनुष्य जीवन को प्रेरित करती हैं और जिसके फलस्वरूप हम दूसरों के साथ विभिन्न संबंध स्थापित करते हैं, समूहों के सदस्य बनते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं इत्यादि इत्यादि, जिसके हमें विभिन्न तरह के रिवॉर्ड्स या विभिन्न तरीके के हमें अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये थी एफिलिएशन या संबंधन अभिप्रेरक। सेकेंड इज एक्विजिशन। एक्विजिशन हो गया संग्रहशीलता। संग्रहशीलता जो है इसमें, इसके तहत जो है व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, चीज़ों को संग्रह करता, संग्रहित करता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों। तो ये जो आवश्यकता होती है, ये बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। जैसे छोटे बच्चे होते अपने टॉयज़ वगैरह इकट्ठे करते हैं, दूसरों को नहीं देते,
तो वहाँ से ये चीज़ जो है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह से एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि वो चीज़ों का संचय करके या धन का संचय करके अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा पावरफुल जो है वो इस्तेमाल, पावरफुल जो है वो समझता है अपने आप को कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ या मेरे पास ज़्यादा अगर भौतिक साधन हैं तो ज़्यादा मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से सुरक्षा और पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्विजिशन से या संग्रहशीलता से जुड़ी हुई है। संग्रहशीलता जो है कुछ ना कुछ रूप में सभी में पाई जाती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो जो ज़्यादा संग्रहशीलता का जिनमें प्रेरणा अभिप्रेरणा होती है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का संचय करने में विश्वास करते हैं, बहुत धन का संचय करने में विश्वास करते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, उस तरह का आपने देखा होगा लोगों में। तो ये एक्विजिशन या संग्रहशीलता इस तरह का अभिप्रेरक होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों का संग्रह करना या चीज़ों को इकट्ठा करना जो है वो पसंद करते हैं। देन थर्ड इज प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा। तो ये जो प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा का जो अभिप्रेरक है वो ये इससे संबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा होती है कि वो अपने आत्म की रक्षा कर सके, सेल्फ की रक्षा कर सके, समाज में असफलताओं से बचे और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख सके। तो इस तरह की जो आवश्यकता होती है वो इस प्रेरणा से जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति जो है अपने बारे में ऊंची ऊंची कल्पनाएं करता है और उनको फिर साकार करने का या उनको रियल बनाने के लिए जो है वो प्रयास करता है। तो कुछ लोग प्रतिष्ठा जो है वो भौतिक उपलब्धियों द्वारा, मेटेरियलिस्टिक गेन्स द्वारा वो प्रतिष्ठा या प्रेस्टीज का अनुभव करते हैं। दे ट्राई टू एसोसिएट द प्रेस्टीज टू द मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स वट एवर दे हैव। कुछ जो है वो अच्छी एजुकेशन लेकर, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस ज्वाइन करके, कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन करके जो है अपनी प्रतिष्ठा संबंधी जो अभिप्रेरणा है उसको उसकी पूर्ति करते हैं या उसको उससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों में प्रतिष्ठा का जो प्रेरक है वो अधिक होता है और कुछ में कम होता है ना। और कल्चर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ कल्चर्स में प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कुछ में नहीं, इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रतिष्ठा की जो का जो अभिप्रेरक होता है वो होता तो सभी में है लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा कहीं लोगों में कम, उस तरह से ये पाया जाता है। देन इट इज़ पावर या शक्ति संबंधी अभिप्रेरक। तो शक्ति संबंधी जो अभिप्रेरक है वो व्यक्ति को बनाता है कंट्रोलिंग, है ना। वो अन्य लोगों या अन्य वस्तुओं को कंट्रोल करना चाहता है। जो व्यक्ति इस जिसमें ये अभिप्रेरक ज़्यादा होता है, शक्ति संबंधी अभिप्रेरक, अब जितने भी ये सोशल मोटिव्स हैं, सोशल अभिप्रेरक हैं, वो वैसे तो सभी में पाए जाते हैं और जन्मजात नहीं होते। उनको व्यक्ति देखकर एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, लर्निंग के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा वो सीखता है। लेकिन थोड़े बहुत सभी में ये कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, पर कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में कोई वाला अभिप्रेरक ज़्यादा है, कुछ में कोई दूसरा ज़्यादा है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो जिन लोगों में ये पावर अभिप्रेरक जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये शक्ति संबंधित जो अभिप्रेरक वो ज़्यादा होता है, वो अन्य लोगों को, अन्य वस्तुओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, दूसरों के व्यवहारों को, इमोशंस को वो नियंत्रित करना उनका बहुत स्ट्रांग एक इच्छा रहती है। और जो ऐसे लोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी वो एक्साइट हो जाते हैं, उदोलन स्तर उनका काफ़ी पाया, उनमें उदोलन का स्तर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तर्क अधिक करते हैं ऐसे लोग, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं और वो उनमें अहम की भावना या ईगो की भावना जो है या अहंकार की भावना उनमें ज़्यादा पाई जाती है। जिनको लगता है कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी बात सुनना इम्पॉर्टेंट है, हमें हमारी हित जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जो हैं उनमें नेतृत्व करने की प्रबल इच्छा भी कई बार पाई जाती है। दे कैन बी लीडर्स ऑल्सो बिकॉज दे हैव दैट पावर काइंड ऑफ मोटिव विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
and that is how they can control other people's life. तो इस तरह से नेतृत्व करने की जो उनकी इच्छा होती है वो भी काफ़ी प्रबल होती है. और ये भी देखा गया है ऐसे लोगों में अग्रेशन या आक्रामकता और प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा की इच्छा जिसकी हमने पहले बात की वो भी काफ़ी तेज़ होती है. तो इस तरह से जो पावर मोटिव होता है वो व्यक्ति को इन सब चीज़ों में ज़्यादा ये सब कैरेक्टर्स या उसमें ये जो विशेषताएं हैं वो डिफाइन करता है व्यक्ति की, जो हमने अभी बात की है, जैसे कि दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना. और ऐसे लोग जो हैं उनमें देखा गया है कि वो विमेन को भी डोमिनेट ज़्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग या अल्कोहल यूज़ करने में भी उनका ज़्यादा इच्छा होती है उनकी. और साथ ही साथ वो महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना या कोई और भौतिकता के साधन खरीदना, उस तरह की चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करने में वो विश्वास करते हैं. तो इस तरह से पावर मोटिव जो होता है लोगों को इस तरह से डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है वो प्रदान करता है. देन ऑल्ट्रुइज्म या परोपकारिता. अब ऑल्ट्रुइज्म या परोपकारिता जो होता है वो होता है कि बिना किसी प्रत्याशा की या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की सहायता करना, दूसरों के बारे में चिंता करना और अपने हित का ध्यान ना रखते हुए भी दूसरों के प्रति सिंसियरिटी का या लॉयल्टी का प्रदर्शन करना, उसको कहते हैं परोपकारिता. अगर हम किसी के लिए कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या कोई हम किसी की हेल्प करते हैं ये सोच के कि वो भी हमारी हेल्प करेगा, तो वो ऑल्ट्रुइज्म या परोपकारिता नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व है. लेकिन जो सही रूप में परोपकारिता होती है वो उसमें एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व नहीं होती. हम कुछ अच्छा करते हैं दूसरों के लिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें वापसी में कोई उनसे कुछ मिलने की संभावना है इत्यादि इत्यादि. तो ये जो आवश्यकता है ये या मोटिव जो है वो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति में पाया जाता है, पर कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुछ में कम पाया जाता है. फिर जो लोग बहुत ज़्यादा जिनमें ये सब होता है तो वो फिर अपना नाम जो है इस क्षेत्र में बहुत ऊंचा करते हैं या उनकी पहचान भी इसके कारण बनती है, जैसे कि मदर टेरेसा या और भी बहुत सारे समाजसेवी जो या सामाजिक कार्यकर्ता जो हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की या अपने हितों की परवाह ना करते हुए भी दूसरों के लिए समाज के लिए कुछ किया है, तो उनमें इस तरह की चीज़ें परोपकारिता वाला जो मोटिव होता है अभिप्रेरक होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो दूसरों की सहायता या मदद करने में अपना जीवन लगा देते हैं या अपने हितों की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं. बच्चों में भी आपने देखा है कि ये पाया जाता है, जब बच्चा कोई गिर जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे बच्चे उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं. तो इसका मतलब ये जो है वो बच्चे बचपन से ही ये मोटिव जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है व्यक्ति में, एक संग्रह एक्वायर या अर्जित कर लेता है व्यक्ति. और किसी में ये ज़्यादा होता है फिर धीरे धीरे, और किसी में ये बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होता या दिखाई नहीं देता. तो ये है ऑल्ट्रुइज्म. देन अग्रेशन या आक्रामकता. सो आक्रामकता या अग्रेशन होता है कि दूसरों को दुख या कष्ट पहुंचाना. ये एक ऐसा व्यवहार होता है, ये शारीरिक भी हो, फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य किसी को चोट या हानि पहुंचाना होता है. तो अग्रेशन इज़ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू हर्ट समवन. ठीक है, तो ऐसा व्यवहार जो है वो कहा जाता है, किसी का तोड़ फोड़ कर देना, मारपीट कर देना, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, गाली गलौज कर देना, किसी की कामों को बिगाड़ देना, ये सारा जो होता है अग्रेसिव या अग्रेशन या आक्रामकता व्यवहार कहलाता है. और ये देखा गया है कि ये जो आक्रामकता का जो व्यवहार होता है, अगेन ये कुछ ना कुछ सभी में पाया जाता है, लेकिन अगेन कुछ लोगों में ज़्यादा कुछ में कम इस तरह से पाया जाता है. और इसी व्यवहार के कारण
बहुत सारी आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, दंगा फसाद भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी को हानि भी पहुंचाई जाती है। तो समय समय पर ऐसी घटनाएं हमारे सामने देखने को आती हैं जहां पर अग्रेशन के कारण व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है। ये देखा गया है कि ये इसका संबंध जो है विभिन्न चीज़ों से होता है अग्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन या कुंठा जो है वो पाया गया है कि अग्रेशन या आक्रामकता के व्यवहार के लिए वो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होती है या उसका रोल होता है या उसकी भूमिका होती है। तो अगर व्यक्ति में कुंठा है तो जिस व्यक्ति में पहले ही आक्रामकता की टेंडेंसी है तो वो और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दूसरों को नुकसान करने का वो जो है वो व्यवहार दिखाएगा। और ये व्यवहार जो है वो उसके साथ भी दिखा सकता है जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचा है या जिसने उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करी है, या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर भी इस तरह का व्यवहार जो है वो व्यक्ति दिखा सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन या कुंठा के कारण। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा जो है इसके लिए ज़िम्मेदार पाया गया है। दूसरा कि ये जो है ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन के थ्रू भी व्यक्ति सीखता है। और अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से कंडीशनिंग होती है मॉडलिंग के थ्रू या दूसरों के व्यवहार को देखकर, उसी तरह से अग्रेशन भी दूसरे के व्यवहार को देखकर, खासकर अगर उस व्यवहार का उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा मिल रहा है तो अन्य लोग भी या अन्य व्यक्ति भी उसको सीख लेते हैं, या खासकर बच्चे भी इस तरह का व्यवहार सीख लेते हैं। कोई बड़ा मान लो इस तरह का व्यवहार कर रहा है आक्रामकता का उसके सामने और उस व्यवहार की वजह से उसको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तो ऐसे जगह पर जो पले बड़े बच्चे होते हैं वो भी अग्रेशन या आक्रामकता जो है वो सीख लेते हैं और अपने जीवन में फिर उसी को करते हैं ना। और अगर इस तरह का उनके सामने एक्सपीरियंस आता है कि किसी ने आक्रामक व्यवहार किया तो उसको पनिशमेंट मिला, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कंडीशनिंग में हम बात करते हैं कि वो व्यवहार रिपीट होते हैं जिनको पुरस्कृत किया जाता है, और वो व्यवहार जो है वो ख़त्म होते हैं जिनको दंडित किया जाता है। तो अग्रेशन भी कुछ उसी तरह से कंडीशनिंग के थ्रू सीख लिया जाता है। अगर अग्रेशन वाले व्यवहार को कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहन मिल रहा है तो वो व्यक्ति जो अग्रेशन दिखा रहा है वो भी उसको ज़्यादा करेगा, और जो उसको देख रहा है उसमें भी ये होगा कि अगर ऐसा करने से फ़ायदा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो कुछ उस तरीके से देखा गया है कि अग्रेशन जो है वो उत्पन्न भी होता है और फिर उस बढ़ता भी रहता है। साथ ही आपने देखा होगा कि टीवी पर या हमारे इंटरनेट पे इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं जो अग्रेशन वाली होती हैं, जिनसे अग्रेशन बढ़ता है। कई ऐसे शोज़ होते हैं WWE, WWF, इस तरीके की जो वो फाइट्स वगैरह दिखाई जाती हैं उसके थ्रू भी बच्चे बचपन से ये चीज़ें देख लेते हैं। और कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों ने कोई इस तरीके के कार्यक्रम देखे, चाहे वो बच्चों के ही कार्यक्रम थे जिनमें अग्रेशन दिखाया गया, तो उन्होंने उसको उसी अग्रेशन को सीख लिया। जैसे ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि बोबो डॉल वाला जो एक एक्सपेरिमेंट है वो बेंडूरा ने किया था, तो जहाँ पे जो बच्चे जो हैं उनको ये दिखाया गया कि वो डॉल के साथ खेलते हुए उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं डॉल को, तो उन बच्चों ने भी वही किया जो उन्होंने देखा था। और दूसरा ग्रुप जहाँ वो आराम से बच्चे खेलते हुए खेल रहे थे, ऐसा कुछ उनको दिखाया गया, तो जिन बच्चों ने वो उस तरह का देखा था तो उन्होंने उसी तरह का व्यवहार अपने जीवन में भी दिखाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अग्रेशन में अनुकरण का या इमिटेशन का या ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है, फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। कई बार जो है टेम्परेचर बहुत गर्मी है या पीड़ा है, कोई किसी को पेन है, तो भी व्यक्ति अग्रेशन का प्रदर्शन कर सकता है। तो इस कहने का मतलब है ये भी एक अर्जित व्यवहार है या अर्जित मोटिव है जो कमियां ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके कारण विभिन्न व्यवहार जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देन अचीवमेंट या उपलब्धि संबंधी जो अभी प्रेरक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वी एज ह्यूमन बींग्स वी लव टू अचीव, तो ये भी किसी में कम किसी में ज़्यादा पाया जाता है। और जिनमें ये ज़्यादा होता है उनमें
कार्यों को बहुत अच्छी तरह से करने की और उसको उससे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो होती है। साथ ही साथ अपने लिए ऐसे व्यक्ति जो हैं ऊंचे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनका मूल्यांकन हो या इवैल्यूएशन हो, और बहुत मेहनत करते हैं अपने जो उन्होंने अपने हायर गोल रखे होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों में अचीवमेंट मोटिव जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उनमें ये सारे व्यवहार जो हैं देखने को मिलते हैं। और ये देखा गया है कि इसमें पेरेंट्स का भी हाथ होता है या पालन पोषण जो जिस तरह से उनका होता है उसका भी हाथ होता है। तो अगर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से या खुद हार्ड वर्क करते हैं तो और प्रेज़ करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के लिए उनका, तो ऐसे माहौल में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अचीवमेंट मोटिव उनमें आ जाता है या ज़्यादा अचीवमेंट मोटिव जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मोटिव होता है वो व्यक्ति को हाई डिफ़िकल्ट लेवल के टास्क को पूरा करने की, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। देन अप्रूवल मोटिव, अप्रूवल मोटिव या जिसको कहेंगे क्या कहेंगे इसको हिंदी में, इसको बोलेंगे अनुमोदन। तो अनुमोदन या अप्रूवल मोटिव जो होता है ये व्यक्तियों को इट्स द डिज़ायर टू सीक सोशल अप्रिसिएशन टू अवॉइड क्रिटिसिज्म बाय परफॉर्मिंग सोशली डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़। तो अप्रूवल जो मोटिव होता है इसकी वजह से व्यक्ति जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे कार्य करता है जो सामाजिक रूप से मान्य होते हैं और जिनसे उनको प्रशंसा प्राप्त हो सकती है, और इसके कारण वो विभिन्न सामाजिक नियमों को मानता है और अनुशासन का पालन करता है, जिस समाज के जिस तरह से नियम होते हैं उनको उनका पालन करता है, और इससे जो है वो डिज़ायरेबल बिहेवियर सीखता है और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है उसको करने से बचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको निंदा मिले बल्कि ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि उसको प्रशंसा प्राप्त हो, और ये सही कार्य करने के लिए, सही व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो जिस व्यक्ति में ये अप्रूवल वाला जो मोटिव है ये ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सामाजिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति होगा, अर्थात उसमें कन्फर्मिटी भी ज़्यादा होगी। कन्फर्मिटी हमने टॉपिक पहले किया था तो उसमें भी हमने बात की थी कि कुछ लोग जो होते हैं ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं, कुछ कम। तो जिसमें अप्रूवल या अनुमोदन का मोटिव ज़्यादा होगा, जो ऐसा चाहते हैं कि हमें दूसरों से एक्सेप्टेंस मिले, तो ऐसे लोग जो हैं कन्फर्मिटी का प्रदर्शन भी ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट सोशियोजेनिक या सामाजिक मोटिव्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रही है जिसके वजह से थोड़ा सा बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप अपनी बुक्स को भी कोलैबोरेट करें और इन वीडियो के साथ और मेक नोट्स आउट ऑफ इट। थैंक यू।